मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर के बोर्ड अधिकारियों का बयान आ चुका है। जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे कि 9 बजे बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह न्यूज़। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको न्यूज़ समझ में नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दें, और साथ ही इस वीडियो को 10 ग्रुप में शेयर कर दें ताकि अन्य छात्र भी जानकारी ले सके। तो क्या बयान दिया है मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के, और कब तक आएगा मैट्रिक की रिजल्ट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च के बाद, यानी बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च के बाद ही जारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि संवाददाता पटना, बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 के रिजल्ट को लेकर स्थिति साफ हो गया है। मैट्रिक रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करना संभव नहीं है। मैट्रिक की कुछ कॉपियां की जांच अभी भी बची हुई है, इसलिए 31 मार्च से पहले किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। रिजल्ट फाइनल तिथि बताने से अधिकारियों ने मना कर दिया है कि रिजल्ट कब जारी होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक की कॉपी की जाँच जो है अभी भी बची हुई है, तो इसलिए 31 मार्च से पहले रिजल्ट किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक का जो है सिर्फ इतना बताया कि रिजल्ट अप्रैल में ही जारी किए जाएंगे। छात्र अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बोर्ड भ्रामक तथ्यों अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर आपने बिहार बोर्ड के जो अधिकारियों का बयान है इनको जान लिया है। आप अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि अन्य छात्र भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये अभी तक की 9 बजे की लेटेस्ट न्यूज़ थी। आप लोग सुबह 6:30 बजे प्रत्येक दिन इस चैनल पर विजिट करके आप बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज़ को पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।